चीफ जस्टिस पंजाब ए केपी में चूंडन की तारीख दियण वाले मामले जो पान मुरादू नोटिस वी छो नव रुकनी लार्जर बेंच सुभाणे ही बुधनी कंदी। सुप्रीम कोर्ट की पधराई मूजिब पान मुरादू नोटिस दौरान डिठो वेंदो तो चूंडन की तारीख दियण कंहिंजो अख्तियार आहे, आईनी जिम्मेवारी कंहिंखे कडहिं पूरी करणी आहे। इहो भी डिठो वेंदो तो चूंडन की तारीख दियण बाबति वफाक ऐं सूबन की आईनी जिम्मेवारी छा आहे। पंजाब असेंबली 14 ए केपी असेंबली 17 जनवरी ते टोड़ी वही। आर्टिकल 224(2) तहत चूंडू असेंबली टुटण के 90 डीहन में करणी हूंदियूं आहिनि। चीफ जस्टिस की सरबराही में जोड़ियल लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सत्तर मेनोला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मज़ार नकवी, जस्टिस यहिया आफरीदी ए जस्टिस मंसूर अली शामिल। बुधणी सुभाणे मंझंद 2 वॻे थींदी। सदर पाकिस्तान आज फैसला किया काबीना ने कि सदर पाकिस्तान को मैं खत लिखूंगा कि उन्होंने जो ये हरकत की है मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है। सूबों को सूबों के बारे में बैठ देने का उनका कोई इख्तियार नहीं है। सिर्फ अभी उन्होंने गैर आईनी हरकत की है जो आज से 9 महीने पहले भी उन्होंने उस गैर आईनी हरकत का वो हिस्सा थे कि स्पीकर और स्पीकर ने गैर आईनी तौर पर अमेरिका का जो बहाना बनाकर उन्होंने अपनी को तोड़ा सदर पाकिस्तान उसमें शामिल थे। लिहाजा आज काबीना ने मुझे कहा है कि मैं सदर पाकिस्तान को काबीना की तरफ से खत लिखूं और पुरजोर इसकी मजम्मत करूं उनसे इसका मैं ये उनको वफाकी काबीना पंजाब ए केपी में चूंड की तारीख दियण वाले सदर के कदम के गैर आइनी ए गैर कानूनी करार दे छो। वजीर आजम काबीना की मुशावर से सदर के मजम्मती खत लिखण जो ऐलान कदे चयो तो सदर गैर आइनी हरकत कई है। सूबों की चूंड की तारीख दियण जो सदर वट को भी अख्तियार ना है। 9 महीना अग भी सदर इमरान खान की अमरीकी साजिश वाली बयानी से गैर आइनी हरकत कर चुको है। इमरान खान मनी चुको है तो संदस हुकूमत हटाने में अमरीका जो को भी किरदार न हो। सुप्रीम कोर्ट की जजिस जो एहतराम है पर जानबदारी थी तो अखियो बंद ना कर सकूं। चीफ जस्टिस के अपील है तो नून लीग मुखालिफ जजिस आदो असां जो अपीलू न लगाई वन। सदर के सूबन में चूंडन की तारीख दियण जो को भी अख्तियार ना है। अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही इलेक्शन कमीशन के पंजी राय दे छी। जरियन जो चवण है इलेक्शन कमीशन की तलब करण से अटॉर्नी जनरल पहुंची पंजी आईनी ए कानूनी सदर आरिफ अलवी पंजाब ए केपी में 9 हले से चूंडू करण की तारीख दिनी हुई। हुकूमत के तमाम वफाकी वजरा मुशीर वजराए मुमलिकत और मामले में खसूसी ने रजा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। आम वजरा गैस बिजली पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं। तमाम वजारतों डिवीजन मुंसलका महकमों जेली मातहत दफातर खुद मुख्तार इदारों के जायदाद यानी करंट एक्सपेंडिचर 15% कटौती की जाएगी। आइंदा 2 साल तक कोई नया इंतजामी यूनिट डिवीजन जिला सब डिवीजन या तहसील की सतह पर नहीं बनाया जाएगा। गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज को मंजूर किया गया यानी $300 जो कि आज के 270 रुपए अगर जरूरत दें 80,000 रुपए का जो तोहफा है रख सकेंगे बाकायदा कानून पर अमल करते हुए। उससे ऊपर का तोहफा है वो जमा हो जाएगा और वो पास हम नहीं रख सकेंगे मुझ समेत काबीना पूरी काबीना। पाकिस्तान जब मेंबर्स पगारू ए मरातू न वठन वजीरन ए ऑफिसर्स का लग्जरी गाड़ियों ए वडा घर वापस वठी नीलाम करने का फैसलो। वजीर देह तोड़े परदेह में सफर इकोनॉमी क्लास में कंदा ए रहाइश 5-स्टार होटल्स में न कंदा। गैस बिजली टेलीफोन ए पानी जा बिल भी पान भरींदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ किफायत शारी मुहिम जो ऐलान कंदे मुल्क में महंगाई अञा वधण जो खदशो भी जाहिर कर छो। वजीर आजम काबीना के इजलास का पोए वजीरों से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो तो मिनी बजट पेश करे सियासत दाव ते लगाई पर मुल्क के बचाए वरतो।
आईएमएफ से कुछ डी अंदर मामला तय थींदा। सरकारी ऑफिसर्स के एक का वधिक प्लाट अलाट न थींदो। वजीर या सरकारी ऑफिसर तोशाखाना जा 30,000 रुपये ताई जा तोहफा रखी सकदा। तोशाखाना जा तफसील आम कया वेंदा। बिजली बचाने लाए सरकारी सुबह जो 7:30 वगे खुलंदियूं, जेके शादी हॉल ए शॉपिंग मॉल रात 8 वगे बंद न थींदा त उन्हनि जी बिजली काटी वेंदी। ईंदड़ बिन सालन ताई को भी इंतजामी यूनिट डिवीजन जिलो या तालुको न ठहंदो। इस मुल्क में सैलाब आए हैं, जिस तरह हमारे दौर में वो वबा आई, इस मुल्क में जलजले आए हैं, लेकिन कभी इस तरह की महंगाई नहीं हुई और आपके दौर में किसी चीज के ना होने की वजह से महंगाई हुई। और फिर ये जो सारे लोग आपने बैठा के ये आवाम को ये तैयारी करवाई थी मजीद और महंगाई की, तो मैं समझा कि आप कोई फैसला करेंगे, रखते रहे कि शायद आप अवाम की फिर हो और आप ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि आपने और ये जो आसिफ जरदारी ने और आपके खानदानों ने जो 30 साल से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए, तो शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती है अवाम की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए। मैं आपको यकीन दिलाता बेवकूफ न बढ़ायो, अवाम लाइ कुछ करणो अथव तो बाहर रखल पैसो वापस आणो। अवाम हाने महंगाई न पर इनकलाब लाइ तैयार है। पीटीआई सरबराह इमरान खान जो वजीर आजम की कुफायत शुआरी मुहिम से रद्द अमल। इमरान खान चयो शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी ए परदेही ताकतन गडजी मुझी हुकूमत केराई, फौरी तौर सब कुछ ठीक करण जा दावा करण वारन 10 महीनन में पाकिस्तान सा अड़ो हशर कयो आहे जेको को दुश्मन भी न करे। वीडियो लिंक जरिए खिताब कंदे इमरान खान चयो तो मुल्की मैशत की तबाही जा जिम्मेवार साजिश कंदड़ ए संदन सहूलतकार आहिन। खौफ जा बुत टोड़ण लाइ जेल भरे तहरीक शुरू कई है। 90 डीहन में चूंडू न थियूं तो जिम्मेवारन मथा आर्टिकल 6 लगंदो। पीटीआई जी लाहौर में जेल भरे तहरीक की शुरुआत। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा समेत केतरन अगवानन ए कारकुनन गिरफ्तारी दई छदी। पुलिस कैदन की वेन में वेठल अगवानन के पान सा गड वठी वही। पुलिस मूजिब पीटीआई अगवाणन के गिरफ्तार ना है कयो वयो, सब मर्जी से कैदन की वेन में वेठा। हमाद अजहर चयो त जे पहिरें ॾींहं ते 200 खां वधीक अगवाणन ऐं कारकुनन गिरफ़्तारी ॾिनी आहे। जेल भरियो तहरीक में मरहलेवार गिरफ़्तारियूं ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो। तोशाखाना केस में इमरान खान ए बुशरा बीबी के गिरफ्तार करने की तैयारियों। एफआईए गिरफ्तारी दौरान इमकानी मज़ाहमत के मुंह दियण लाइ हिकमत अमली भी जोड़े वरती। ज़रीन जो चवण है इस्लामाबाद ए लाहौर में छापण लाइ टीमू जोड़ियूं पई वञनि। टीम में औरत अहलकारनि की मदद भी वरती वेंदी। एफआईए इमरान खान ए बुशरा बीबी की लाहौर में मौजूदगी बाबत जान हासिल करे वरती। गिरफ्तारी बाद बिनी ज़ाल मुड़स के रावलपिंडी मुंतकिल करण जो इम्कान। सर आपको भी पता है कि ये एक सिस्टम है, ओबरा जिम्मेदार है, वो सब कैलकुलेशन करता है कि फ्लैट 15 दिन में उसकी एवरेज क्या थी, डॉलर जो और रुपी का जो रेट है वो एवरेज क्या थी। एक सिस्टम है, फॉर्मूला। हम तो यही कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जब वो बना के लाते हैं तो फिर हम कई घंटे झगड़ा करते हैं ताकि कम अज कम पिछला भी जो था जो वर्किंग थी वो 48 रुपये थी पेट्रोल पे और 36 रुपये थी डीजल पे। हमें 3 घंटे लगे, अब बस एक एक पैसे का हिसाब किया और जाके ये 22 रुपए और 18 रुपए हुआ। तो हम पूरी जिम्मेदारी जो है अपनी उसको निभाएंगे और अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। 28 फरवरी का पेट्रोलियम शयन के अघर में बीहर वाद थी। नाणे वारो वफाकी वजीर इसाकदार वाज़ जवाब न दई सको। वजीर आर प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इसाकदार चयो तो गुजल भेरे ओगरा पेट्रोल 48 रुपया, डीजल 36 रुपया फी लीटर महांगो करने की दरख्वास्त कई हुई। 3 कलाक जेड़े एक एक रुपये के हिसाब बाद पेट्रोल 22 रुपया ए डीजल 18 रुपया महंगो करण की मंजूरी दिनी। ओगरा की सिफारिश से अघन जो मुकर थींदो आहे। फिलहाल कुछ न तो बुधाए सका। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान दिलचस्प मुकाबले बाद कराची किंग्स के शिकस्त दई छी। मुल्तान सुल्तान टीम पहिरीं बैटिंग कंदे ॿिनि विकेटनि जे नुक़सान 93 रन टुटायूं। कप्तान मोहम्मद रिज़वान जी सेंचुरी। हदफ पुठियां ड्रोड़ंदाची जी टीम मुक़ररु ओवर्स में 5 विकेटनि जे नुक़सान ते 193 रन ठाहे सघी।